गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का और एक नेट ट्रेवलिंग ब्लॉग में। तो अभी हमें वाइजैग से करीबन 15 किलोमीटर बाहर हाईवे में आ चुके हैं एंड ये देख सकते हैं यहाँ पे अपना टेंट वगैरह लगा दिया है और ये कुछ हॉस्टल का कैंपस था तो उसी के बाहर में हम लोगों ने टेंट वगैरह लगाया था। सारा कुछ यहाँ पर फैसिलिटी मिल गया था हमें एंड ये थी कुछ बाहर की खूबसूरत ब्यूटी भाई। और बता दे भाई, आंध्र प्रदेश में भी ना बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं आपको जैसे कि दिख रहे हैं और नारियल के पेड़ तो आपको जगह जगह दिखते रहेंगे क्योंकि यहाँ पे समुंदर ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दायरे में है तो नारियल के पेड़ तो बनते हैं एंड चलो यहाँ से सफर स्टार्ट करते हैं। तो भाई नाश्ता वगैरह करके हम निकल गए हैं रोड पे। देखो पीछे हाईवे है, अब यहाँ से हम चलते हैं विजयवाड़ा की ओर। भाई एक चीज है भाई, आंध्र प्रदेश की ना सड़कें बहुत अच्छी हमको देखने को मिल रही। भाई देखो हर जगह आपको 4 लाइन का हाईवे आपको देखने को मिल जाएगा एंड भाई बताएं थोड़ा यहाँ भाषा को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है एंड हमें उनकी भाषा नहीं समझ आ रही है, उन्हें हमारी भाषा नहीं समझ आ रही है। तो अच्छा लग रहा, मज़ा भी लग रहा है, ऐसे फंस नहीं रहे हैं, इंग्लिश वगैरह में मैनेज हो जा रहा। तो भाई हमें डायरेक्ट लिफ्ट मिली थी 200 किलोमीटर के लिए तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं। करीब अभी 2 बज रहा है और अभी हम पहुँचे राजा नगरम पे पहुँचे हैं और यहीं से बाईपास निकल जाएगा हमारा विजयवाड़ा का। आई थिंक यहाँ से 160 किलोमीटर होगा और जो चेन्नई है ना वो करीबन 650 से 700 किलोमीटर के दायरे में यहाँ से पड़ेगा। एंड कुछ इस प्रकार से व्यू है भाई, ये है इधर का कुछ नज़ारा। एक चीज है भाई, मतलब आंध्र प्रदेश में ना मजा बहुत आ रहा है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम पहले भी बहुत इच्छा व्यक्त किए थे इधर घूमने के लिए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, क्योंकि साउथ की मूवी वगैरह ना हम बहुत ज़्यादा देखते हैं और अधिकतर साउथ की मूवी हर एक पर्सन देखता होगा यार, क्यों नहीं देखेगा, अच्छे अच्छे मूवी बनाते हैं और 90% 80% तो देखते ही होंगे साउथ की मूवी क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे उनका कहानी रहता है। एंड भाई तो हमें ना ये विजयवाड़ा, ये वाइजैग नाम सुनते रहते थे ना तो हमें हमेशा जाने की इच्छा रहती थी एंड भाई जब आए तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और इस तरह से भाई चारों तरफ नारियल के पेड़ ही पेड़ देख रहे हैं और जब से आ रहे तब से मिडली खा रहे हैं नारियल के साथ। बता दे रहे हम तो खैर 6-7 खा देते हैं, ये साला खावरू क्या ही बताए, बेइज्जती कर देता है, 20-25 इडली खा देता है। बता दे रहे 20-25 वो बोलता है और खाएंगे जितना खिलाएगा, बता दे कहाँ घुसाता है। बोलता है ये भी है ना मेरा 2 पेट है, बोलता है एक सुबह खाने के लिए एक दोपहर का स्टॉक करते है, बोलता है मतलब मूड की बात है, जीता ये। इस प्रकार इसकी कहानी है भाई और सूर्य देवता फुल ब्राइटनेस में आज सही है। बस ऐसे ही थोड़ा ठंडी भी कभी कभी होनी चाहिए सूर्य देवता, तब तपाती धूप में थोड़ा प्यास ज्यादा लगता है और कोई पानी वगैरह के पिला नहीं रहा यार, चपाकल दिख नहीं रही है, ठंडी थोड़ा पानी पीने का मन कर रहा है, प्यास से लगा है खूब से। देखो प्रयास कर रहे हैं लिफ्ट लेने की और हम जाएंगे विजयवाड़ा। 160 किलोमीटर है और हाईवे बहुत अच्छा है तो चांस ज्यादा रहता है पहुंचने का। हेलो सर, सर लिफ्ट विजयवाड़ा साउथ कैक्टर से मिलना है सर, देवा रहे बेटा रा के बोलो लिफ्ट देवा रहे। लिफ्ट मिल गई थी विजयवाड़ा के लिए तो हम लोग विजयवाड़ा पहुंच गए हैं। ये करीबन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है विजयवाड़ा, ये करीबन हम लोग यहाँ से मेन जो टाउन है वो 10 किलोमीटर रह जाता है और कुछ इस प्रकार से व्यू है भाई विजयवाड़ा का। अभी मौसम भी मस्त किया हुआ है और बता दें अभी 5 बजने को है तो देखते हैं क्या सीन बनता है, कहाँ रुकने की व्यवस्था होती है। एंड देखो भाई शाम का समय भी है और खूबसूरत ब्यूटी का नज़ारा भी आपको देखने को मिल रहा है भाई, वाकई बहुत अच्छे से सजाया गया है विजयवाड़ा को। आपने देखा होगा साउथ के बहुत ही ज्यादातर फिल्म विजयवाड़ा से शूट किए गए हैं तो वह कौन कौन सी जगह है उसको भी हम पूरा एक्सप्लोर कराएंगे। देखो पूरा ग्रीनरी पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है यहाँ पे भाई, पर्यावरण को बनाए रखने के साथ साथ पेड़ पौधा को लगाते रहना है। तो भाई ये
कुछ विजयवाड़ा का कुछ व्यू भाई, आप देख सकते हैं ये प्रॉपर मेन टाउन है। अभी हम लोग बाईपास होते हुए निकल रहे हैं तो दिख रहा है कुछ इस प्रकार से, काफी बिग सिटी है यार। अब यहाँ पे सामने कृष्ण नदी है, वहाँ से हम सीधे नाइट टर्न लेके हम सीधे हैदराबाद का रूट पकड़ लेंगे, क्योंकि ये शहर में अक्सर कुछ घूमने लायक अच्छी मतलब जो आकर्षक जगह है नहीं, ऐसे तो शहर में होती है। देखो कुछ ना प्यारा लग रहा है यार। ओके स्वागत है भाई सभी को विजयवाड़ा में। ये देखो कुछ विजयवाड़ा इस प्रकार से लगता है भाई। ये हाईवे ये जो जा रहा है ना वो चेन्नई वाला है, वो हैदराबाद वाला है, और ये जा रहा सिटी को अंदर। और देखो भाई माउंटेन वगैरह काफी है, एंड देखो बहुत ही प्यारा सिटी है, पूरा साफ है भाई, सफाई के मामले में एकदम क्लीन है तो अच्छा है। और देखो मूवी वगैरह बहुत ही ज्यादा यहाँ पे शूट होती है, एग्जैक्ट हमें पता नहीं कहाँ कहाँ शूट होती है लेकिन होती है। विजयवाड़ा का नाम सुने होंगे आप लोग। तो चलो सनसेट भी हो चुका है विजयवाड़ा में। देखो अब विजयवाड़ा में ही रुकना पड़ेगा, थोड़ा बाहर जाएंगे मंदिर साइड वगैरह को देखेंगे एक अच्छी सी रुकने की जगह। देखो भाई ये कुछ सिटी बस वगैरह विजयवाड़ा की, तो सिटी बस भी यहाँ चलती है सबसे सुविधा में। एंड भाई यहाँ भैया को जो बोलते हैं ना तेलुगु में तमड़ो, हेलो तमड़ो, तो इस प्रकार से हेलो भैया, तो ये कुछ कुछ वर्ड सीखना पड़ता है। एंड देखो ये रहा बस स्टैंड, ये कुछ इस प्रकार व्यू है। भाई आज हम विजयवाड़ा में ही रुके हुए हैं क्योंकि हमारा रात हो गया है, और चलते चलते एक भैया मिले थे तो उनकी ओर से ये हम आ चुके हैं, देख सकते हैं ये एक रेस्टोरेंट में, और उनकी ओर से आज खाना प्रोवाइड किया जा रहा है यार। और बता दें मेरा और अरुण भाई का जो बिल बना है यार 830 रुपये होना है। मशरूम भी खा रहे हैं और नान और रोटी वगैरह और पनीर वगैरह सारा कुछ है, तो खाते हैं भाई अभी फिलहाल, अभी आधा घंटा वेट करेंगे। अभी जस्ट भैया ने ऑर्डर दे दिया है और बिल पे करके वो चले गए हैं, एंड थैंकफुली सो मच भैया। तो ये भाई हमारा कुछ खाना आ गया है, इधर रोटी है, इधर मशरूम और इधर पनीर, तो चलो अभी। क्या बोलता अरुण भाई सपाट लेगा ना तू? पूरा खत्म कर दूंगा, कहता है ऊपर से नीचे तक छोड़ूंगा कहीं नहीं, बड़ा तेरी भूख लगा है। और हमारे भैया ये रहे, हाय कर दीजिएगा भैया हमारे चैनल में। रफ्तार गुड मॉर्निंग। तो आज है सेकंड दिन भाई, और देखो कल रात को थोड़ा रहने के लिए कोई जुगाड़ नहीं मिल रहा था, करीबन 10 बज गया था, तो हमने क्या किया फुटपाथ में ही सो गए थे। दुकान के बाहर थोड़ा सा स्पेस था तो हम लोगों ने यहाँ पे टेंट वगैरह लगा दिया, क्योंकि मौसम देखें बारिश वगैरह करने वाला नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लगा के हम लोग सो गए। और ये देखिए नेशनल हाईवे हैदराबाद वाला, तो इसी हाईवे से हम लोग हैदराबाद की ओर निकल जाएंगे भाई। तो भाई सफर पे निकल चुके हैं और करीबन 250 किलोमीटर का टारगेट है हैदराबाद, आई थिंक पहुँच जाएंगे, हाईवे बहुत परफेक्ट है। और भाई सूर्यदेव भी फुल ब्राइटनेस में आ गए हैं, और अभी बज रहे हैं 9, और कुछ इस प्रकार हाईवे है भाई, बहुत ही प्यारा हाईवे है आप देख सकते हैं। तो भाई क्या बोलती है, एक चश्मा ले लिए, और ये हमारे सर वड़का में, सर कुछ बोल दीजिए तमिल में तेलुगु में, हाँ कुछ अपने से बोल दीजिए सर, समझो नहीं आ रहा इसको, कुछ बोलिए कुछ बोलिए रे बाप, नमस्कार राम, नमस्कार राम, ये समझ में आ गया ना, कमड़ो मतलब भैया। एंड देखो ये कुछ चश्मा का दुकान है भाई, और कमेंट में बताओ कि चश्मा कैसा लग रहा है। 130 का दिया, 200 का था, तो 130 में भैया ने डन कर दिया, तो सही आयो चश्मा, बहुत टाइम से लगाए नहीं थे तो हटके होना चाहिए थोड़ा, और कलर अच्छा लगा तो हम ले लिए। ये लिप लेंगे आप, चश्मा पहन के फट सन लिप मिल जाएगा, कोई तो उठा लो, आज 130 का चश्मा खरीदे हैं।